शिकायत थी कि कुछ लोगों का गलत नाम डाला गया FIR में, निर्दोष लोगों पे FIR हुआ है, तो FIR का भी हम लोगों ने पूरा गहन अध्ययन किया है और एकदम स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी निर्दोष लोगों का नाम अगर FIR में है तो उनका नाम हटाया जाएगा FIR से, किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होगी और जो भी दोषी है उन्हीं पर कार्रवाई होगी। जो फरार है उनके घर की कुर्की जब्ती करके भी आगे की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो मृतक हैं उनके घर पे हम लोगों ने अभी उनको पारिवारिक लाभ का भी राशि दी है, साथ ही बच्चों के भरण पोषण की भी व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से की जाएगी और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो गरीब लोग हैं जिनका आवास के लिए जो पात्रता रखते हैं और जो मृतक के घर के हैं उनको भी मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी लाभान्वित किया जाएगा ताकि इनकी मदद हो सके। सर, यहाँ के लोग लोगों ने शिकायत की, इसकी हम लोग बिल्कुल जांच करा रहे हैं, SP साहब को जिसका सुपरविजन कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा, जो भी इनके साथ गलत किया उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर आए लेडीज वगैरह बोलिए जिनका ये आउट का रेप केस में जो नाम है सर पकड़ा है बड़ा बच्चा वहां जाकर मैंने अंबा ना मुर्गा हम के पहला मुर्गा बन बस इतने कर के तो भोग भोग जैसे इसमें दोनों को दिखवा लीजिए सर सर जैसे आप बता रहे हैं बच्चों का सर इसको थोड़ा सा इधर सुना जा सर इतना आदमी के नाम है उसके बाद पुलिस जो आकर के यहाँ पड़ी की है 21 तारीख को रात के तो इसका भी इंसाफ मिलना चाहिए ना सर। होगा, सारी चीज़ों का जांच होगा। हम तो इन्हीं लोगों से बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग गांव वाले लोग पैनिक में हैं, उसको थोड़ा पैनिक से निकलवाइए। गांव वाले लोग पैनिक पैनिक खत्म करने के लिए अब वही बातें अभी जो बताए सर के पास की कुछ बच्चे हैं जिनका नाम आ गया मतलब निर्दोष होगा। यहाँ मैटर तो कोई दूसरा है ना, अब आती है मैटर यहाँ दूसरा देख रहे सर टाइपिंग सर अब आती बातें देखिए अब आती बातें कि जो व्यक्ति पाँच छह को कोई नहीं था। सुन लीजिए बात, सुन लीजिए ना आपकी बात, हम तब से सुन रहे हैं। अच्छा सुनिए ना थोड़ा सा। तो जो भी गड़बड़ नहीं किया सबका नाम इसे हटाया जाएगा, किसी भी निर्दोष आदमी पे कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात है कि जो दोषी हैं उन पे जरूर कार्रवाई होगी। आप बोल रही हैं कि जो मर्डर किया जो ये सब किया कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई होगी, हम लोग अरेस्ट करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। और जो मृतक हैं उनकी पत्नी को हम लोगों ने थोड़ा सा सहायता दिया है, अभी बच्चों को हम लोग इनका भरण पोषण का उपाय करवाएंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, भरण पोषण का भी होगा और आवास की भी स्थिति खराब है तो मुख्यमंत्री जो आवास योजना है उनसे आवास का भी हम लोग इनको लाभ देंगे। तो इतना हम लोग करेंगे और उसके बाद आपको कोई समस्या हो किसी भी तरह का लगे कि प्रताड़ित किया जा रहा है तो वीडियो है यहाँ पे, जो कि आप लोग महिला हैं, वीडियो भी महिला हैं, इनका नंबर रखिए, इनको खुल करके बताइए कोई समस्या होती है तो, ठीक है ना। वीडियो महिला इनको बताइए, आपका जरूर समाधान करेंगे। घर कैसे टूट गए हम देख पहुँचाइए, ये हमको बताएंगे, आपकी जो भी समस्या होगी हम तक बताएंगे, डायरेक्ट मेरे तक बात पहुँचेगी, घबराने की बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है ना। क्यों छोड़ा गया तो चीजें वही है, धीरे धीरे सर बोले हैं सर आपके पास मिलने के लिए इसीलिए आए हैं। दरा दिया ना कोई हाल नहीं साहब, जो बोले हैं ये बात होगा, मैये पापा ना दोनों तरफ से हुआ था ना, उसमें की वही परिस्थिति थी माता जी, इस चीज को स्वीकार करना ये लड़का पूछे नहीं, लड़का परिस्थिति वैसे नहीं हुआ, खाना प्रणाली कुछ नहीं हुआ, क्या कार्रवाई हम लोग जानना चाहते हैं, कम से कम जो लोग बाहर से आए हैं हम लोग सामाजिक परिवार होगा बोले जांच में रह जाए। ऐसा तो नहीं कि हम आएंगे और अनाउंस कर देंगे कि कार्रवाई करेंगे, अगर पाए जाएंगे तो जरूर कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ भी इसको पर्सनली देख रहे हैं, अभी जाएंगे हाँ वही है। और दूसरा चीज़ देखिए, ये इंस्पेक्टर साहब यही है खाना बार बैठे हैं, देख लिया जाए। चलिए साहब देखने अजय पास में दस कट्ठा दूसरा के खेत करते हैं, सात चिंद्रा बस आते हैं घुरा के चले जाते हैं, हमारे हम तो ससुर के जमीन, ससुर का नाम दरवाजा नहीं, मार दिया अंदर से, नहीं गेट बंद होता, देख लीजिए सर। सब एक चलिए तो हम तो हमारे छोड़ दिया तो हम अपना कर लेंगे।